राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानों के लिए नए नियम तय कर दिए गए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र घटाकर 21 साल कर दी गई है। यह पहले 25 वर्ष थी, जबकि 21 साल से कम उम्र के युवकों के पहचान पत्र की जाँच अनिवार्य की गयी है। देश में अलग अलग राज्यों में लिकर कंजम्पशन की परमिसेबल एज अलग अलग है। ये बहुत बार बात उठती रही है कि दिल्ली में ज्यादा है जबकि गुड़गांव ये नोएडा उत्तर प्रदेश में कम है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया है कि दिल्ली में लिकर कंजम्पशन की एज नोएडा उत्तर प्रदेश के बराबर कर दी जाए। दूसरा एक फैसला लिया है कि एज गेटिंग होगी। एज गेटिंग का मतलब है कि जिस एज तक की परमिशन है उससे नीचे के बच्चों को, उससे नीचे के व्यक्ति को ऐसे फरमाइश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है जहां लिकर सर्व होती है। इट्स 25। नोएडा उत्तर प्रदेश में अभी ये 21 साल है। जो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग इसके प्रोसेसेस हैं कि उसकी जो प्रेस्क्राइब डिस्टेंस है उससे दूरी होता है, उससे कोई पास आता है तो दुकान बंद। इस तरह से पूरी तरह से एक ट्रांसपेरेंट फेयर प्रैक्टिसेस वाली पॉलिसी जो शराब माफिया को नीचे लेके आएगी, शराब माफिया के खिलाफ शिकंजा कसेगी और अपराधियों के और शराब के बेचने वालों के बीच जो गठजोड़ बन जाता है उसको तोड़ेगी, उस तरह की एक पॉलिसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड की जिसको आज सरकार ने मंजूर किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी भी दी कि अब सरकार दिल्ली में शराब की दुकानों का संचालन नहीं करेगी, कोई नई दुकान भी नहीं खोली जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में शराब की तस्करी रोककर एक्साइज रेवेन्यू में 20% की बढ़त का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सिसोदिया ने यह भी कहा कि शराब की दुकान के लिए 500 वर्ग मीटर की जगह का होना अनिवार्य होगा। सरकार को नई नीति से 2000 करोड़ वार्षिक राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि दिल्ली में शराब की 850 दुकानें हैं, हालांकि अब कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी। पुरानी दुकानों की ही वितरण व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। नकली शराब को खत्म करने के लक्ष्य के साथ दिल्ली में पहले इंटरनेशनल स्तर का परीक्षण लैब भी तैयार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में शराब का समान वितरण होगा और तस्करी पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि मुंबई जैसे दूसरे शहरों में 25 साल से कम उम्र के लोगों के लिए केवल हार्ड शराब वर्जित है, जबकि 21 पर शराब और बीयर की अनुमति है। न्यूयॉर्क और लंदन जैसे प्रमुख वैश्विक शहरों में पीने की उम्र 21 और 18 साल से है।